For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. जो लोग चश्मा इस्तेमाल करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके चश्मे से जान छुट जाए, तो लेज़र साइट जो एक फैसिलिटी ऑफर करता है वो है रिफ्रैक्टिव सर्जरी, विच इज़ कॉल्ड लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरी। ये सर्जरी बेसिकली चश्मा ख़त्म करने के लिए होती है। जो लोग चश्मा इस्तेमाल करते हैं उनका क्या मेन प्रॉब्लम होता है कि इनके पर्दे के ऊपर लाइट यहाँ से क्रॉस करती है और पर्दे तक जाती है और यहाँ इमेज बनाती है। जो लोग चश्मा इस्तेमाल करते हैं उनमें ये होता है कि या तो इमेज आगे बन रहा होता है पर्दे के या पीछे बन रहा होता है। लेज़र बेसिकली क्या काम करती है कि इस फ्रंट सरफेस को, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, उसको जो है उसकी शेप को चेंज कर देती है, जिससे इमेज जो है आपके पर्दे के ऊपर बन रहा होता है। जब हम ये सर्जरी प्लान करते हैं तो उससे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो है एक तो एज। एज हमें जो चाहिए होती है वो मिनिमम 18 साल चाहिए होती है। इससे कम एज पे हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं करते। दूसरी बात ये है कि पेशेंट का नंबर जो है वो स्टेबल हो फॉर द लास्ट 1 ईयर। अगर किसी पेशेंट का नंबर चेंज हो रहा होगा तो उसमें भी हम सर्जरी नहीं करेंगे जब तक कि उसका नंबर बिल्कुल रुक ना जाए। एक स्टेबल हो जाएगा, इसके बाद हम उसको प्लान कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि कोई आँखों की कोई बीमारी ना हो, स्पेशली एलर्जी। दूसरी कंडीशन जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं केराटोकोनस, उसमें क्या होता है कि ये जो कॉर्निया है इसकी सरफेस जो है कोन लाइक हो जाती है। जो अगर कोन लाइक हो जाती है तो उसके अंदर भी हम अवॉइड करते हैं कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी ना करें। सिस्टमिक प्रॉब्लम अगर किसी को है, लाइक डायबिटीज़ या ऐसी कोई बीमारी के जिसकी वजह से उसको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेनी पड़ रही है, उसके अंदर भी हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी को अवॉइड करते हैं। रिफ्रैक्टिव सर्जरी जनरली दो सर्जरीज में डिवाइड की जाती है। एक कहलाती है PRK, विच इज़ कॉल्ड फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी, और दूसरी है लेसिक, विच इज़ कॉल्ड लेज़र इनसाइटिव केराटोमिलोसिस। PRK में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम कॉर्निया की फ्रंट सरफेस जो है उसमें एक एपिथीलियम होती है, इसको हम हटाते हैं और उसको लेज़र अप्लाई कर देते हैं। हमारे सेंटर में ये PRK की एक एडवांस शक्ल जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो है, जिसको कहते हैं हम ट्रांस PRK। ट्रांस PRK में हमें किसी किस्म की कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं करना पड़ता कि हम जो एपिथीलियम को हटाने के लिए, ये सारा काम लेज़र ही अप्लाई करती है। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना होता और विद इन फ्यू मिनट्स ये सर्जरी परफॉर्म हो जाती है। जो लेसिक है, लेसिक में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक लेयर को हटाते हैं और कॉर्निया की, और इसके ऊपर फिर लेज़र अप्लाई करते हैं और वापस इस लेयर को वापस लगा देते हैं। तो ये जनरली डिफरेंस है। दोनों सर्जरीज जो की जाती हैं बड़ी ही अच्छे रिजल्ट हैं दोनों के ही, लेकिन कुछ इंडिकेशंस हैं जो हम सिर्फ उन पेशेंट के अंदर PRK ही करते हैं। जैसे कुछ कुछ प्रोफेशंस हैं, लाइक फुटबॉल कोई पेशेंट अगर खेलता है या फिर बॉक्सिंग अगर खेलता है, रग्बी खेलता है, ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें चोट लगने का ख़तरा आँख में हो, उसमें हम जो है लेसिक अवॉइड करते हैं, हम उसमें PRK करते हैं। दूसरी इंडिकेशन जो है कॉर्निया पे की बनती है कि अगर किसी का कॉर्निया थोड़ा सा इरेगुलर है या कॉर्निया जो है थोड़ा थिन है, तो उसके अंदर भी हम PRK एडवाइस करते हैं। एज़ फार एज विजुअल रिकवरी इज़ कंसर्न आफ्टर रिफ्रैक्टिव सर्जरी, तो PRK में यूजली जो टाइम लगता है वो तकरीबन हफ्ते से डेढ़ हफ्ता लगता है, लेकिन लेसिक में जो है नेक्स्ट डे ही आपकी नज़र ऑलमोस्ट नॉर्मल लेवल पर होती है।